तो गाइस स्टार्टअप पंच का और एक वीडियो सामने निकल कर आया है, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। कुशल कुमार इनको इस वीडियो का क्रेडिट जाता है। आप स्क्रीन के ऊपर टाटा पंच का फ्रंट फेशिया देख सकते हैं, दिखने में काफी ज्यादा कमाल का है। साइड से भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, साइड से भी ये दिखने में काफी ज्यादा कमाल की लग रही है। इसके फ्रंट फेशिया की हम बात कर लेते हैं, LED DRL के अंदर आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। हालांकि ग्रिल्स आप देख सकते हैं, जिसके सेंटर में टाटा की बैजिंग भी आप देख सकते हैं। हालांकि ये एरो शेप में जो डिजाइन दी है वो किस लिए है वो तो लॉन्चिंग के दौरान ही पता चल जाएगी, लेकिन दिखने में थोड़ी सी वियर्ड लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं। और क्रोम फिनिशिंग का एक पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा लोगों के नीचे, ये भी देखने में काफी तक कमाल का लग रहा है। वही हेडलाइट सेटअप की बात करो, इसके अंदर आपको LED हेडलाइट का सेटअप मिलने वाला है। लो बीम के लिए, हाई बीम के लिए हैलोजन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा इसके फ्रंट में आपको LED फॉग लैंप का सेटअप भी मिलने वाला है, तो ये भी काफी हद तक कमाल की बात है। वही अब इसके फ्रंट के बम्पर्स देख सकते हैं, बहुत ही बड़े बम्पर्स का इस्तेमाल कंपनी ने इसके अंदर किया हुआ है। इसके अलावा इसके साइड प्रोफाइल में आपको बहुत ही बड़ी साइड क्लैडिंग भी मिलने वाली है। इसके फेंडर्स के ऊपर भी आपको ब्लैक कलर की फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी, और इसके रूफ के ऊपर और इसके पिलर्स के ऊपर भी आपको ब्लैक कलर की फिनिशिंग मिलने वाली है। तो ये ड्यूल टोन कलर वाला मॉडल है, फ्रंट से दिखने में और साइड से दिखने में काफी हद तक कमाल का लग रहा है। वही इस मॉडल के अंदर आप डायमंड कट अलॉय व्हील भी देख सकते हैं, इसका डिजाइन भी काफी हद तक कमाल का है। और फंक्शनल रूफ रेल का ऑप्शन भी आपको टाटा पंच के अंदर ऑफर किया जाएगा। दोनों फ्रंट डोर के हैंडल्स के ऊपर आपको बॉडी कलर की फिनिशिंग मिलने वाली है। इसके अलावा ORVMs के ऊपर आपको ब्लैक कलर की फिनिशिंग विद टर्न इंडिकेटर का ऑप्शन मिलने वाला है। तो काफी हाईटेक फीचर आपको टाटा पंच के अंदर ऑफर किए जाएंगे। इसके अलावा सेकेंड रो के डोर हैंडल्स आपको पिलर्स के ऊपर देखने को मिल जाएंगे, ये भी चीज आप नोटिस कर सकते हैं टाटा पंच के एक्सटीरियर में। वही आप इसके LED टेल लाइट का सेटअप देख सकते हैं, ट्रायो शेप में LED टेल लाइट इसके अंदर दिया जाएगा। पंच की बैजिंग रियर में आप देख सकते हैं, रियर वाइपर के साथ पंच आने वाली है। इसके अलावा रूफ माउंटेड स्पॉइलर आपको मिलेगा विद हाई स्टॉप LED माउंट। इसके अलावा आप इसके रियर के बम्पर्स भी देख सकते हैं, काफी बड़े बम्पर्स का इस्तेमाल इसके रियर में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर इसके एक्सटीरियर डिजाइन की बात करो तो भाई एक्सटीरियर से दिखने में काफी तक कमाल की लग रही है। 4-5 लाख रुपए के अंदर आपको काफी कमाल का पैकेज मिलने वाला है। तो अब बात करते हैं इंटीरियर की, आप इसका इंटीरियर देख सकते हैं, काफी कमाल का इंटीरियर लग रहा है। एक्सटीरियर से भी दिखने में काफी तक कमाल की है और इंटीरियर से भी काफी तक जबरदस्त लग रही है। ड्यूल टोन कलर का थीम इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ब्लैक कलर का डैशबोर्ड है, उसके नीचे व्हाइट कलर की फिनिशिंग आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके जो AC वेंट है, AC वेंट के सराउंडिंग में आपको सिल्वर कलर की फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी, और जो बाकी के वेरिएंट्स आएंगे उनके अंदर आपको अलग कलर के पैटर्न्स मिलने वाले हैं। वही ग्लोव बॉक्स के अंदर आपको अच्छी सी स्पेसिंग मिलने वाली है, मतलब आप अपना अच्छा खासा सामान वहां पर भी रख सकते हैं, ये भी काफी हद तक कमाल की बात है। इसके इंटीरियर के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाया है, उसके लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगी। ऐसे अपडेट्स जल्दी पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करना, और टाटा पंच के लिए एक लाइक तो बनता है।